नमस्ते नमस्कार, मैं हूं नीता और आप लोग का स्वागत है अभिनीता ब्लॉग में। और मैं एक बात बोलना चाहती हूं, जितना जल्दी ये पुलिस लोग 24 घंटा के अंदर में इन लोग को जेल में रखने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि गोलू भैया हो गए, गोरखप्रिया भौजी हो गए, राधा राज हो गए और भी 8 लोगों का नाम है, तुम लोग इसको जो घुसा रहे हो, तुम लोग के इतना पावर रहता ना तो जो कर्म कांड करके जो घूम रहे उन लोग को पकड़ने का पावर रखते, समझे? तुम लोग जो आवाज़ उठाता है उसका तुम आवाज़ दबाने की कोशिश करते हो, तुम इंसान हो कि क्या हो, तुम समझ से बाहर हो रहा है। एक तो वो लोग गई थी मालती चौहान के लिए ही गई थी, क्योंकि आप लोग एक्शन नहीं ले रहे थे, ना राधा राज को गिरफ्तार कर रहे थे, ना ही राहुल राज को गिरफ्तार कर रहे थे, ना अर्जुन वर्मा को गिरफ्तार कर रहे थे, इसलिए गोरखप्रिया भौजी उठी थी। इस अगर तुम लोग सही मायने से सही रास्ते से चलते तो ये लोग नहीं आती सामने, ना ये गोलू भैया नहीं आते, ना कोई नहीं आता, लेकिन तुम लोग नहीं किए इसलिए ये लोग बीच में आए। तुम लोग क्या बोलूँ, पैसे पे बिकने वाले इंसान हो, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, पैसे पर बिकने वाले इंसान हो, इसलिए क्योंकि तुम 24 घंटा में इन लोग को गिरफ्तार करना है बोल के पता था, लेकिन जो कर्म कांड किए हैं उन लोग को पकड़ना है बोल के पता नहीं था तुम लोग को। तुम लोग को पकड़ उसको जाके पकड़ो, ना कि गोरखपुरिया भौजी को, ना ही गोलू भैया को, ना ही राधा राज को, ना ही 8 मेंबर जो पहले वहाँ थे, वहाँ पे थाना पे आए हुए थे। और रहा मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, वहाँ के पुलिस प्रशासन में कोई हिम्मत नहीं है, कोई दम नहीं है, मैं यही बोलूँगी, अगर रहता तो तुम मुजरिम को गिरफ्तार करते, ना कि वहाँ पर इंसाफ मांगने आए हुए इंसान को गिरफ्तार करते। तुम लोग में पावर ही नहीं है, पावर रहता तुम लोग ऐसे नहीं करते, समझ नाम का चीज़ नहीं है आप लोग में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ समझ में नहीं है आपको। मैं तो यहाँ तक भी देख रही हूँ कि मरे हुए इंसान तक को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि जीत होते हैं ना, न्याय पाने के लिए मरना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप जीते जी बोलोगे नहीं मुझे इंसाफ दिला तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर मरने के बाद ही इंसाफ मिलता है, लेकिन इसको तो मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, पता है क्यों? पैसा नहीं है, उसका बाप को पैसा नहीं है जो पैसा फेंक के इंसाफ दिलवा दे। आज जिसके पास है जो कर रहा है, जैसे गोलू भैया हुए, गोरखप्रिया भौजी हुई, राधा राज हुआ, तो उन लोग को दबाया जाता है, गाली दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, हर चीज किया जाता है। अभी जाएगा तो मारेगा पीटेगा, देखने के लिए गए हैं तुम तो गोलू भैया पे हाथ भी उठा सकते हो अंदर में, हम लोग देखने के लिए गए हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से, आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ, यहाँ सब लोग इकट्ठा थे, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे मालती चौहान को, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जहाँ वारंट निकला 3 लोग को गिरफ्तार करना है, बाप रे सब लोग बायकट हो गए, बुला बुला के मीडिया लोग को बोलते हैं, हमको तो उनसे कोई मतलब नहीं था, बस ऐसे ही दोस्ती है, अनजान है, बस हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। बाप रे बाप, इतना सेल्फिश, इतना मतलबी दुनिया है, वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूँगी पुलिस प्रशासन से कि आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अभी सब नेता लोग कहाँ चले गए, जो भाषण देते थे हमसे आके छलफल करे, हमसे आके मिले, अरे नेता लोग तुम लोग निकल के आओ और देखो बिना बात का इन लोग को अंदर किया जा रहा है, बिना बात का, कोई कारण ही नहीं है बिना बात का। जो आरोप है उसको पीछे खुला सांड के जैसा छोड़ दिया है, जो आरोप नहीं है उसको अंदर ढकेले जा रहा है, यहाँ पे बात को दबाया जा रहा है, यहाँ पे बात को दबाया जा रहा है। इतना कांड होने के बाद फिर भी अगर मालती को इंसाफ नहीं मिला, अगर इतना होने के बाद भी मालती को इंसाफ नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है, इतना करके कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो क्या बोलूँगी, बिचारी को मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला, जीते जी भी मरी थी, मरने के बाद और मर गई, ये सब तो दे वो अकाल में उसका उसको मारा गया है या खुद मरी है, उसका आयु नहीं आया था जो मर के चली जाएगी, इसलिए जब तक उसका आयु नहीं आएगा वहाँ से भगवान के घर से कि तब तक वो भटकते ही रहेगी और देखेगी कौन अपना कौन पराया कौन क्या। तो इसलिए सब लोग अगर मिल जाए ना, जितना यूट्यूबर है जो उससे प्यार करती है, जो उसको मानती है, तो उसको इंसाफ भी मिलेगा। और हम ये नहीं बोलते विष्णु राज ही गलत है या गोरखपुरिया भौजी ही गलत है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो गलत है उसको अंदर किया जाए, चाहे वो जो हो। राधा राज को देखते हुए रोज ठुमका लगा लगा डांस करती है, भगवान, बोलते हैं ना घर बिगाड़ लिया घर संभाल ली सो हिसाब हो गया है, घर को तो बर्बाद करिए दी है। जो भी हो, आप लोग को वीडियो बनाती है वो लड़की, उस पर तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, आप लोग गाली भी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आप लोग को हम बहुत मानते हैं पुलिस वाले भैया लोग। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी प्लीज़ भैया, आप गोलू भैया को, गोरखप्रिया भौजी को, राधा राज पे
भीतर घुसाने के बजाय आप उन लोग को भीतर घुसाइए जो खुला सांड के जैसा घूम के कत्ल करके खुला सांड के जैसा घूम रहा है। प्लीज मैं दरख्वास्त करती हूँ कि यही करें आप लोग।